शांति। आज 18 जून 2024 की बाबा की साकार मुरली है। मुरली के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे अवगुणों को निकालने का पूरा पुरुषार्थ करो। जिस गुण की कमी है उसका पोता मेल रखो। गुणों का दान करो तो गुणवान बन जाएंगे। प्रश्न है, गुणवान बनने के लिए कौन सी पहली श्रीमत मिली हुई है? उत्तर है, मीठे बच्चे गुणवान बनना है तो पहली पॉइंट, किसी की भी देह को मत देखो, अपने को आत्मा समझो, एक बाप से सुनो, एक बाप को देखो, मनुष्य मत को नहीं देखो। दूसरी पॉइंट, देह अभिमान के वश ऐसी कोई एक्टिविटी न हो जिससे बाप का व ब्राह्मण कुल का नाम बदनाम हो। उल्टी चलन वाले गुणवान नहीं बन सकते, उन्हें कुल कलंकित कहा जाता है। ओम शांति। बाप दादा के हाथ में मोती के फूल थे, बाबा साक्षात्कार कराते हैं, ऐसा खुशबूदार फूल बनने का है। बच्चे जानते हैं, हम फूल बने थे जरूर, गुलाब के फूल, मोती के फूल भी बने थे, अथवा हीरे भी बने थे, अब फिर बन रहे हैं। यह है सच्चे, आगे तो थे झूठे, झूठ ही झूठ, सच की रत्ती भी नहीं। अभी तुम सच्चे बनते हो तो फिर सच्चे में सब गुण भी चाहिए। जितने जिसमें गुण हैं उतना औरों को भी दान दे, आप समान बना सकते हैं। इसलिए बाप बच्चों को कहते रहते हैं, बच्चे पोता मेल रखो अपने गुणों का। हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है, दैवी गुणों में क्या कमी है? रात को रोज अपना पोता मेल निकालो। दुनिया के मनुष्यों की तो बात ही अलग है, तुम अभी मनुष्य तो नहीं हो ना, तुम हो ब्राह्मण। भल मनुष्य तो सब मनुष्य ही हैं, परंतु हर एक के गुणों में चलन में फर्क पड़ता है। माया के राज्य में भी कोई कोई मनुष्य बहुत अच्छे गुणवान होते हैं, परंतु बाप को नहीं जानते। बड़े रिलीजियस माइंडेड नरम दिल होते हैं। दुनिया में तो मनुष्यों के गुणों की वैरायटी है, और जब देवता बनते हैं तो देवी गुण तो सब में है, बाकी पढ़ाई के कारण मर्तबे कम हो पड़ते हैं। एक तो पढ़ना है, दूसरा अवगुणों को निकालना है, यह तो बच्चे जानते हैं। हम सारी दुनिया से न्यारे हैं, यह जैसे एक ही ब्राह्मण कुल बैठा हुआ है। शूद्र कुल में ही मनुष्य मत, ब्राह्मण कुल में ही ईश्वरीय मत। पहले तुमको बाप का परिचय देना है। तुम बताते हो फलाना आर्ग्यू करते हैं, बाबा ने समझाया था, लिख दो हम ब्राह्मण अथवा बी के है ईश्वरीय मत पर, तो समझ जाएंगे। इनसे ऊंचा तो कोई है नहीं, ऊंचते ऊंच है भगवान, तो हम उनके बच्चे भी उनके मत पर हैं। मनुष्य मत पर चलते नहीं, ईश्वरीय मत पर चल हम देवता बनते हैं। मनुष्य मत बिल्कुल छोड़ दिए हैं, फिर तुमसे कोई आर्ग्यू कर न सके। कोई कहे यह कहाँ से सुना, किसने सिखाया है, तुम कहेंगे हम है ईश्वरीय मत पर, प्रेरणा की बात नहीं, बेहद के बाप ईश्वर से हम समझे हुए हैं। बोलो भक्ति मार्ग के शास्त्र मत पर तो हम बहुत समय चले, अब हमको मिली है ईश्वरीय मत। तुम बच्चों को बाप की ही महिमा करनी है, पहले बुद्धि में बिठाना है, हम ईश्वरीय मत पर हैं। मनुष्य मत पर चलते नहीं, सुनते नहीं। ईश्वर ने कहा है, हियर नो ईविल सी नो ईविल। मनुष्य मत, आत्मा को देखो, शरीर को नहीं देखो। यह तो पतित शरीर है, इनको क्या देखने का है, इन आँखों से यह नहीं देखो। यह शरीर तो पतित का पतित ही है, यहाँ के यह शरीर तो सुधरने नहीं है और ही पुराने होने हैं। दिन प्रतिदिन सुधरती है आत्मा, आत्मा ही अविनाशी है। इसलिए बाप कहते हैं सी नो ईविल, शरीर को भी नहीं देखना है। देह सहित देह के जो भी संबंध हैं उनको भूल जाना है, आत्मा को देखो, एक परमात्मा बाप से सुनो। इसमें ही मेहनत है, तुम फील करते हो, यह बड़ी सब्जेक्ट है। जो होशियार होंगे
उनको पद भी इतना ऊंच मिलेगा। सेकंड में जीवन मुक्ति मिल सकती है, परंतु अगर पूरा पुरुषार्थ नहीं किया तो फिर सजाएं भी बहुत खानी पड़ेगी। तुम बच्चे अंधों की लाठी बनते हो बाप का परिचय देने के लिए। आत्मा को देखा नहीं जाता, जाना जाता है। आत्मा कितनी छोटी है इस आकाश तत्व में देखो। मनुष्य कितनी जगह लेते हैं, मनुष्य तो आते जाते रहते हैं ना, आत्मा कहाँ आती जाती है क्या? आत्मा की कितनी छोटी सी जगह होगी, विचार की बात है। आत्माओं का झुंड होगा, शरीर के भेद में आत्मा कितनी छोटी है, वह कितनी थोड़ी जगह लेगी। तुमको तो रहने लिए बहुत जगह चाहिए, अभी तुम बच्चे विशाल बुद्धि बने हो। बाप नई बातें समझाते हैं नई दुनिया के लिए, और फिर बताने वाला भी नया है। मनुष्य तो सबसे रहम मांगते रहते हैं, अपने में ताकत नहीं है, जो अपने पर रहम करें। तुमको ताकत मिलती है, तुमने बाप से वर्षा लिया है, और कोई को रहम दिल नहीं कहा जाता है। मनुष्य को कभी देवता नहीं कह सकते हैं, रहम दिल एक ही बाप है जो मनुष्य को देवता बनाते हैं। इसलिए कहते हैं परमपिता परमात्मा की महिमा अपरम अपार है, उसका पारावार नहीं। अभी तुम जानते हो उनके रहम का पारावार नहीं है। बाबा जो नई दुनिया बनाते हैं उसमें सब कुछ नया होता है। मनुष्य पशु पक्षी सब सतोप्रधान होते हैं। बाप ने समझाया है तुम ऊंच बनते हो तो तुम्हारा फर्नीचर भी ऐसा ऊंच ते ऊंच गाया हुआ है। बाप को भी कहते हैं ऊंचे ते ऊंचा, जिससे विश्व की बादशाही मिलती है। बाप साफ कहते हैं हम हथेली पर बहिष्ट ले आता हूँ। वो लोग हथेली से केसर आदि निकालते हैं। यहाँ तो पढ़ाई की बात है, यह है सच्ची पढ़ाई। तुम समझते हो हम पढ़ रहे हैं, पाठशाला में आए हैं। पाठशालाएं तुम बहुत खोलो तो तुम्हारे एक्टिविटी को देखें। कोई फिर उल्टी चलन चलते हैं तो नाम बदनाम करते हैं। देह अभिमान वाले की एक्टिविटी ही अलग होगी, देखेंगे। ऐसे एक्टिविटी हैं तो फिर जैसे सब पर कलंक लग जाता है। समझते हैं इनकी एक्टिविटी में तो कोई फर्क नहीं है, तो गोया बाप की निंदा कराई ना, टाइम लगता है, सारा दोष उस पर आ जाता है। मैनर्स बहुत अच्छे चाहिए, तुम्हारे कैरेक्टर्स बदलने में कितना टाइम लगता है। तुम समझते हो कोई कोई के कैरेक्टर्स बहुत अच्छे फर्स्ट क्लास होते हैं, वह दिखाई भी पड़ेंगे। बाबा एक एक बच्चे को बैठ देखते हैं, इनमें क्या खामी है जो निकालनी चाहिए, एक एक की जांच करते हैं। खामियां तो सब में हैं, तो बाप सबको देखते रहते हैं, रिजल्ट देखते रहते हैं। बाप का तो बच्चों पर लव रहता है ना, जानते हैं इनमें यह खामी है, इस कारण यह इतना ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। अगर खामियां नहीं निकली तो बड़ा मुश्किल है, देखने से ही मालूम पड़ जाता है। यह तो जानते हैं, अभी टाइम पड़ा है, एक एक की जांच करते हैं। बाप की नज़र एक एक के गुणों पर पड़ेगी, पूछेंगे तुम्हारे में कोई अवगुण तो नहीं है। बाबा के आगे तो सच बता देते हैं, कोई कोई को देह अभिमान रहता है तो नहीं बताते हैं। बाप तो कहते रहते हैं आपे ही जो करे सो देवता, कहने से करे वह मनुष्य, जो कहने से भी न करे। बाबा कहते रहते हैं जो भी खामियां हैं इस जन्म की वह बाप के आगे आपे ही बताओ। बाबा तो सबको कह देते हैं खामियां सर्जन को बतानी चाहिए, शरीर की बीमारी नहीं अंदर की बीमारी बतानी है। तुम्हारे पास अंदर में क्या क्या आसुरी ख्यालात रहते हैं तो इस पर बाबा समझाएंगे। इस हालात में तुम इतना ऊंच पद नहीं पा सकेंगे जब तक अवगुण निकले। अवगुण बहुत निंदा कराते हैं, मनुष्यों को वहम पड़ता है, भगवान इनको पढ़ाते हैं। भगवान तो नाम रूप से न्यारा है, सर्वव्यापी है, वह कैसे इनको पढ़ाएंगे।
इनकी चलन कैसी है यह तो बाप जानते हैं। तुम्हारी गुण कैसे फर्स्ट क्लास होने चाहिए, अवगुण छिपा देंगे तो कोई को इतना तीर नहीं लगेगा। इसलिए जितना हो सके अपने में अवगुण जो है उनको निकालते जाओ। नोट करो, हमारे में यह खामी है तो दिल अंदर में खाएगी, घाटा पड़ता है तो दिल खाती है। व्यापारी लोग अपना खाता रोज निकालते हैं, आज कितना फायदा हुआ रोज का खाता देखते हैं। यह बाप भी कहते हैं, रोज अपनी चाल देखो नहीं तो अपना नुकसान कर देंगे, बाप की पद यानी इज्जत गवा देंगे। गुरु की निंदा कराने वाले ठोर न पाए, देह अभिमानी ठोर नहीं पा सकेंगे, देही अभिमानी अच्छी ठोर पाएंगे। देही अभिमानी बनने के लिए ही सब पुरुषार्थ करते हैं, दिन प्रतिदिन सुधरते जाते हैं। देह अभिमान से जो कर्तव्य होते हैं उनको काटते रहना है। देह अभिमान से पाप जरूर होता है, इसलिए देही अभिमानी बनते रहो। यह तो समझ सकते हो, जन्मते ही राजा कोई होता नहीं, देही अभिमानी बनने में टाइम तो लगता है ना, यह भी तुम समझते हो। अभी हमको वापिस जाना है, बाबा के पास बच्चे आते हैं, कोई 6 मास बाद आते कोई 8 मास बाद भी आते हैं, तो बाबा देखते हैं इतने समय में क्या उन्नति हुई है, दिन प्रतिदिन कुछ सुधरते रहते हैं या कुछ दाल में काला है, कोई चलते चलते पढ़ाई छोड़ देते हैं। बाबा कहते हैं, यह क्या भगवान तुमको पढ़ाते हैं, भगवान भगवती बनाने ऐसी पढ़ाई तुम छोड़ देते हो? अरे वर्ल्ड गॉड फादर पढ़ाते हैं, इसमें अब्सेंट माया इतनी प्रबल है, फर्स्ट क्लास पढ़ाई से तुम्हारा मुख मोड़ देती हैं। बहुत हैं जो चलते रहते हैं फिर पढ़ाई को लात मार देते हैं, यह तो तुम समझते हो। अब हमारा मुँह है स्वर्ग तरफ, लात है नरक तरफ। तुम हो संगम युगी ब्राह्मण, यह पुरानी रावण की दुनिया है, हम वाया शांति धाम सुख धाम तरफ जाएंगे। बच्चों को यही याद रखना पड़े, टाइम बहुत कम है, कल भी शरीर छूट सकता है। बाप की याद नहीं होगी तो फिर अंतकाल, बाप समझाते तो बहुत हैं, यह सब गुप्त बातें हैं, नॉलेज भी गुप्त हैं, यह भी जानते हैं। कल्प पहले जिसने जितना पुरुषार्थ किया है वही कर रहे हैं। ड्रामा अनुसार बाप भी कल्प पहले मुहाफिक समझाते रहते हैं, इसमें फर्क नहीं पड़ सकता है। बाप को याद करते रहो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होते जाए, सजा नहीं खानी चाहिए। बाप के सामने सजाए बैठ खाएंगे तो बाप क्या कहेंगे, तुमने साक्षात्कार भी किए हैं उस समय माफ नहीं कर सकते। इन द्वारा बाप पढ़ाते हैं तो इनका ही साक्षात्कार होगा, इन द्वारा वहाँ भी समझाते रहेंगे तुमने यह किया, फिर उस समय बहुत रोएंगे चिल्लाएंगे अफसोस भी करेंगे। बिगर साक्षात्कार सजा दे न सकें, कहेंगे तुमको इतना पढ़ाते थे फिर ऐसे ऐसे काम किए, तुम भी समझते हो रावण के मत पर हमने कितने पाप किए हैं, पूज्य से पुजारी बन पड़े हैं, बाप को सर्वव्यापी कहते आए, यह तो पहले नंबर की इंसल्ट है, इसका हिसाब किताब भी बहुत है। बाप उलाना देते हैं, तुमने अपने को कैसे चमाट मारे हैं, भारतवासी ही कितना गिरे हैं। बाप आकर समझाते हैं, अभी तुमको कितनी समझ मिली है, 100 भी नंबरवार समझते हैं ड्रामा अनुसार। आगे भी ऐसे ही इस समय तक के क्लास की यह रिजल्ट थी, बाप बताएंगे तो सही ना, तो बच्चे अपनी उन्नति करते रहे। माया ऐसी है जो देही अभिमानी रहने नहीं देती है, यही बड़ी सब्जेक्ट है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो पाप भस्म हो जाए। अच्छा मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की
सिखिलते रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट है, देह अभिमान में आने से पाप जरूर होते हैं। देह अभिमानी को ठोर नहीं मिल सकती, इसलिए देही अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। कोई भी कर्म बाप की निंदा कराने वाला न हो। दूसरी पॉइंट है, अंदर की बीमारियां बाप को सच सच बतानी है, अवगुण छिपाने नहीं है। अपनी जांच करनी है कि मेरे में क्या क्या अवगुण है। पढ़ाई से स्वयं को गुणवान बनाना है। आज का वरदान है, हद की रॉयल इच्छाओं से मुक्त रहे। सेवा करने वाले निस्वार्थ सेवाधारी भव। हद की रॉयल इच्छाओं से मुक्त रहे। सेवा करने वाले निस्वार्थ सेवाधारी भव। विश्लेषण है, जैसे ब्रह्मा बाप ने कर्म के बंधन से मुक्त न्यारे बनने का सबूत दिया, सिवाय सेवा के स्नेह के और कोई बंधन नहीं। सेवा में जो हद की रॉयल इच्छाएं होती हैं वह भी हिसाब किताब के बंधन में बांधती हैं। सच्चे सेवाधारी इस हिसाब किताब से भी मुक्त रहते हैं, जैसे देह का बंधन देह के संबंध का बंधन है, ऐसे सेवा में स्वार्थ यह भी बंधन है। इस बंधन से वह रॉयल हिसाब किताब से भी मुक्त निस्वार्थ सेवाधारी बनो। आज का स्लोगन है, वायदों को फाइल में नहीं रखो, फाइनल बनकर दिखाओ। वायदों को फाइल में नहीं रखो, फाइनल बनकर दिखाओ। अच्छा, ओम शांति।